अच्छा, मैं लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने बताया था काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैंने क्लियर कर दी थी। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल है उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए तो वो अभी पूछ ले, क्योंकि हमने फर्दर उन्हीं के ऊपर मूव ऑन करना है। तो लास्ट लेक्चर सबने देखा था, कोई एक बंदा बता दे कि अगर किसी का कोई सवाल है तो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन सवाल आंसर नहीं एंड है? भी कर लेंगे अभी, क्वेश्चन आंसर एंड भी कर लेंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा, अच्छा मैंने रिकैप लास्ट कर टाइम भी लेंगे बताया डायरेक्ट। था कोरे टगबर्ग, रिकैप कर लें, रिकैप कर लेते चलिए हैं एंड थोड़ा भी कर सा। लेंगे अभी आप। चलिए कर ले अगर वो। मैं कुछ कर लेता हूँ। जी, तो ये लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेमेंटिक एसईओ बेसिकली ये टोटल सेमेंटिक एसईओ ही कहलाती है, जिसके अंदर हम अपना सारे के सारे टॉपिक्स फाइंड आउट करते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, टॉपिकल मैप बनाते हैं, उनको एनएलपी के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हैं। ये टोटल जो हमारा एसईओ कहलाती है, ये सेमेंटिक एसईओ कहलाती है। पुरानी एसईओ में क्या होता था कि हम लोग कीवर्ड्स नहीं ढूंढते थे, हम टॉपिक्स नहीं ढूंढते थे, हम कीवर्ड्स ढूंढते थे। अब कीवर्ड्स में ये होता था कि हम हर चीज़ कवर नहीं कर पाते थे। सपोज के तौर पे अगर हमने एक कीवर्ड पकड़ा है, कोई भी, फॉर एग्जांपल, हम एक मिनट, फॉर एग्जांपल हम हैमस्टर एक कीवर्ड ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर हमें अगर यही कीवर्ड हम जाके कीवर्ड टूल के अंदर डालेंगे तो वहाँ हमें सिर्फ वो कीवर्ड दिखाएगा जिनके अंदर हमें हैमस्टर वर्ड्स यूज़ हुआ होगा। ठीक है, और लाइफ स्पैन वगैरह इस तरह के और कीवर्ड जो, या इसके हेल्थ रिलेटेड कीवर्ड, या इसका जो दूसरे नाम भी हो सकते हैं, कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो इंटरनल यानी जो पालने वाले लोग हैं इसको, उनको पता हो, कोई भी एक कीवर्ड रिसर्च करके वो कीवर्ड ना निकाल सकता हो। या आप इसको कह लें कि जैसे ये यहाँ पे कुछ इसकी लोअर क्लासिफिकेशंस आ रही हैं। अब कैंपल डिफाफ, ये एक एक पूरा का पूरा, इसके ऊपर हमारी इसकी डाइट अलग हो सकती है, इसकी पालने की तरीके अलग हो सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स हमने ढूंढने होते हैं और उन उन वर्ड्स के आगे फिर हमने टॉपिक्स निकालने होते हैं। और इस चीज़ के अंदर ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट आया टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर, कि आप एक टॉपिक को पकड़ें, उसके सब टॉपिक्स भी निकालें, अगर उनके वर्ड्स भी चेंज हैं तो वो आपको पता होने चाहिए कि वो वर्ड्स उस टॉपिक के अंदर यूज़ होते हैं, ताकि उस वर्ड को यूज़ करते हुए आप कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर जाके उन वर्ड्स के थ्रू भी आप उसके टॉपिक्स निकाल सकें, और जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सारी सर्चेज या वो सारे क्वेश्चंस निकाल के आप उन सबको आंसर करें। जब आप ये कर लेते हैं तो गूगल की नज़र में फिर गूगल के पास ये, गूगल को ये नहीं लगता कि आप जैसे कीवर्ड सर्च करके आ गए और फिर उसके बाद आपने उन्हीं कीवर्ड को हर जगह प्लेस्ड करके आप गूगल को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो काम खत्म हो जाता है। फिर आप रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूजर को। फिर आप एक टॉपिक के ऊपर, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, एक पूरा नॉलेज होता है, उसके बेस पे आप सारा कंटेंट लिखते हैं, और वो कंटेंट के अंदर भी जगह जगह आप वो वर्ड यूज़ करते होते हैं जिसको अभी सर दिखा रहे थे कि एनएलपी के थ्रू एंटिटीज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो बेसिकली वो एंटिटीज ही वहाँ पे हम इंटर कर रहे होते हैं कॉन्टेंट के अंदर, ताकि जिसकी वजह से गूगल अंडरस्टैंड करता है कि ये बंदे को सारे के सारे वर्ड्स इस टॉपिक से रिलेटेड पता है। और जैसे कि ये लाइफ स्पैन, अब ये एक यहाँ पे ये जो नाम आ रहा है, ये हम अगर कीवर्ड टूल के अंदर जाके निकालने की कोशिश करते तो इसमें हमें ये चीज़ ना मिलती। इसीलिए जो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे बेस्ट जगह होती है वो ये गूगल होती है, क्योंकि गूगल पे ही जब हम जाके इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो हमें इसके अंदर ही बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं जो रिलेटेड हैमस्टर से नहीं होते लेकिन क्रॉजली रिलेटेड होते हैं टॉपिक से। उससे हमें, जैसे अब यहाँ पे ये सैरियन हैमस्टर, चाइनीज हैमस्टर और ये वो, इसकी सारी टाइप्स हम निकाल लेंगे। फिर हम सारी टाइप्स निकालने के बाद फिर एक तरीका ये होता है कि इमेजेस के अंदर जाते हैं बाजू का, यहाँ पे ना ऊपर एक टैब्स बना रहा होता है जिसके अंदर हमें रिलेटेड वर्ड्स या टर्म्स यूज मिल रही होती हैं, वो भी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, हम उनको भी उठा लेते हैं टॉपिकल अथॉरिटी का मैप बनाते हुए। तो अभी आपको एक सर ने तरीका बता दिया था कि एंटिटीज कैसे निकालनी है वो चैट जीपीटी के थ्रू, और एक एक प्रॉम्प्ट मेरे पास भी है, आई थिंक, वो पता नहीं सर ने बताई है नहीं बताई, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी मैंने अभी नहीं बताई, आप बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। मैं
अच्छा, मैं चैट जीपीटी की जगह पर प्रेक्सी यूज कर रहा हूँ, एक ही बात है दोनों के बैक पे जो है वो है ओपन एआई का चैट जीपीटी 4 ही। यहाँ से मैंने इसको चैट जीपीटी 4 पे ही सेट किया हुआ है, यहाँ पे ये चैट जीपीटी 4 पे इसको सेट किया हुआ है, तो आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। एक ये प्रॉम्प्ट है जो कि एक एसईओ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, मैट डीगीटी, अगर आप लोग उसे फॉलो करते हो तो उन्होंने ये जो है प्रॉम्प्ट शेयर की थी, तो मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें ये था कि पहली प्रॉम्प्ट ये थी कि गिव मी 30 सेमेंटिकली रेलिवेंट बट यूनिक टॉपिक्स अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ। अब यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी डाल लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वही कैटेगरी जो अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, हैमस्टर, ठीक है। और ये मैंने आगे लिख दिया कि रिड्यूस ईच टू 3 to 5 वर्ड, क्या क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स निकाल लेते हैं, तो इसको मैंने एंड में इसलिए लिखा है कि रिड्यूस ईच टू 3 to 5 वर्ड्स, कि आप इसको रिड्यूस कर दें। मैं इसको एंटर करूंगा, अब वो पूछ मुझे उसने कुछ यहाँ पे ही बता दिया है। अब ये परप्लेक्सिटी करता है, चैट जीपीटी नहीं करता। अगर आप इसको जस्ट स्किप भी कर दें तो फिर ये टोटल उसी को चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसने हमें टॉपिक्स दिए यहाँ पे कि ये सीरियन हैमस्टर की केयर, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, डिवॉर्फ हैमस्टर के ब्रीड्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग आप खुद भी लगाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी को ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है। अब इसने बताया ना आपको सीरियन हैमस्टर, ये आपको पता है गूगल सर्च करने के बाद कि ये एक टाइप है हैमस्टर की। आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे पूरा का पूरा कॉपी करके एक शीट बना लेंगे और इस तरह की एक आप सिंपल सी शीट बना लें, और इसके अंदर आप आके ही सारे के सारे टॉपिक्स पेस्ट कर दें यहाँ पे। अब आप ये करें कि अब आप ये करें कि यहाँ पे ये जैसे सिमस्टर सीरी हेमस्टर केयर लिखा हुआ है, अब आपने जैसे गूगल पे यहाँ पे सर्च किया था हेमस्टर, तो हेमस्टर के बाद हेमस्टर टाइप्स आप यहाँ पे निकाल लें, ठीक है। ये आपको सारे के सारे नाम मिल जाएंगे, इन सारे नामों को आप कॉपी कर लें। हाँ, पे कॉपी कर लेते हैं। अब ये आपके पास टाइप्स आ गई सारी की सारी, ये आपके अब बनेंगे मेन टॉपिक। हेमस्टर के ऊपर आपका पहला आर्टिकल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर करके, जनरल हेमस्टर के ऊपर। स्क्रीन शेयर कर दें, नहीं हो रही। जी ठीक है, पहला आर्टिकल आपका, अब आपने अगर हेमस्टर के ऊपर अपनी टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है तो पहला आर्टिकल आपका हेमस्टर जनरल हेमस्टर के ऊपर होगा। इसके अंदर आप टाइप्स भी बताएंगे और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गूगल पे जो शो हो रहा होगा, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि जी क्या। हाँ, यहाँ पे आप टाइप्स बताना शुरू कर दें। अब आपने यहाँ पे ये भी डिसाइड करना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका सोर्स कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपके टॉपिक्स की प्रायोरिटी चेंज होगी। मतलब कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये पहला जो आर्टिकल है ये हम चूज़ कैसे करेंगे इतने सारे टॉपिक्स के अंदर से, कि पहला आर्टिकल हमारा कौन सा होगा। वो चीज़ आपकी डिफाइन करेगी आपका सोर्स कॉन्टेक्स्ट। सोर्स कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, वो मैंने बताया था कि सोर्स कॉन्टेक्स्ट आपका, कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक एंटिटी या वो एक जो आपका टॉपिक है उसके साथ कनेक्टेड किस तरीके से है। मतलब आप उस टॉपिक के साथ क्या करते हैं, आप वो हैमस्टर सेल करते हैं, आप हैमस्टर को जो है वो उनकी केयर की टिप्स देते हैं, या आप जो है उनके किसी भी तरीके से आपका बिजनेस उस टॉपिक से रिलेटेड क्यों है, ठीक है। वो चीज़ आपकी डिफाइन करेगी आपके पहले प्रायोरिटी के टॉपिक्स को, कि आपका टॉपिक पहला कौन सा होगा। आपका अगर जनरल सपोज करें कि आप अगर हैमस्टर सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए आपका जो जो यूज़र का जो फिर यहाँ पे वो बनता है
जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल सर्च इंटर्न बनता है। सेंट्रल सर्च इंटर्न आपका यहाँ पे ये बनेगा कि आपका जो यूज़र है वो उसके बारे में एक तो जानना चाहेगा, उनकी डाइट्स के बारे में, उनके पालने के बारे में, यानी वो नौ नौ की कैटेगरी में आएगा कि हैमस्टर के बारे में वो जानना चाहेगा। फिर सेकंड उसका जो सेंट्रल इंटरेक्ट आएगा वो उसको बाय करना चाहेगा, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें आप कवर करेंगे पूरी की पूरी अपनी वेबसाइट के अंदर, सेंट्रल सोर्स इस ऑडियंस को आप माइंड में रखते हुए अपना पूरा का पूरा टॉपिकल मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर हैमस्टर सेल करते हैं इस हिसाब से, अब आप यहाँ पे पहले हैमस्टर के टाइप बताएंगे जिससे यूज़र को अपना डिसीजन लेने में आसानी हो कि उसके कौन सा हैमस्टर लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हो सकता है कि हैमस्टर की टाइप्स बताएं आप पहले कि क्या होती हैं, ठीक है। फिर उनके नाम आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। पहला टॉपिक हो गया आपका टॉप 5 बेस्ट हैमस्टर या टॉप एक्स एक्स नंबर ऑफ हैमस्टर, ठीक है। यहाँ से आप अपना जो है वो टॉपिकल मैप बनाना शुरू करेंगे। टॉप एक्स बेस्ट हैमस्टर टू बाय, ठीक है। यहाँ से आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जब आप 5 हैमस्टर को आप जब डिफाइन कर लेंगे तो वहाँ पे जो आप नाम चूज करेंगे हैमस्टर्स के, उन हैमस्टर के बाद आपके वो सब टॉपिक बनेंगे। सपोज के तौर पे जैसे आपने यहाँ पे आपने सीरियन हैमस्टर डिफाइन किया, ठीक है। सीरियन हैमस्टर के बाद और डवार्फ स्क्रीन शेयर हैमस्टर, कर दी, स्क्रीन ठीक शेयर है। नहीं आपकी, स्क्रीन नहीं आपकी शेयर हो रही बिल्कुल भी, क्या जी, हो गई, अब हो गई है। कर रहे? अच्छा, सीरियन हैमस्टर आप यहाँ पे अब डिफाइन कर रहे हैं कि टॉप आप कौन से हैमस्टर चूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप गूगल पे चले जाए और यहाँ पे जैसे इसने आपके कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर से यहाँ से निकाल लें। ये डिवार्फ हमने लिख लिया है, ये एक रशियन हैमस्टर की टाइप है, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये आ गई। दोबारा इसके ऊपर चले जाएंगे और सेरियन ये हमने लिख लिया है। डिवार्फ विंटर चाइनीज हैमस्टर, ये एक टाइप आ गई, हम इसको उठा लेंगे। अब यहाँ पे ये हम जो कर रहे हैं ये काम, ये ऑर्डिनरी एसईओ के अंदर नहीं होता था। इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता था, वो एक कीवर्ड उठाते थे और उसको जो है हर जगह पैराग्राफ के अंदर प्लेस कर दिया आपने, यूआरएल स्लग के अंदर, पहले टाइटल के अंदर, और इस तरीके से स्टफिंग करके गूगल को बस ये शो करा दिया कि जी हम इस टॉपिक से रेलिवेंट है। लेकिन अब गूगल ने कीवर्ड्स को कंसीडर करना ही छोड़ दिया है। अब वो हर जगह एक ही कीवर्ड के ऊपर एक ही वेबसाइट नहीं शो कराता। जैसे मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि अगर आप कोई चीज़ यूएस से बैठ के सर्च कर रहे हैं, यूएस के बैठ के किसी एक स्टोर के इर्द गिर्द सर्च कर रहे हैं, तो जब आप एप्पल सर्च करेंगे तो एप्पल के अंदर आप वो देखेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन आपकी किसी एप्पल स्टोर के पास करीब करीब की है तो फिर और यूएस के अंदर की है तो आपके वो फिर इंटेंट समझने की कोशिश करेगा। शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं उसके अंदर इंटेंट क्लियर नहीं होता, तो वो गूगल उसके पीछे क्यूरी लगाता है, खुद से प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि इस बंदे का मतलब क्या हो सकता है। अगर तो वो अगर ये आइडेंटिफाई करता है आपकी प्रीवियस सर्चेज की बेस पे या आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री की बेस पे कि आप जो है वो एप्पल का फ़ोन बाय करने लगे, और तो वो आपको सबसे करीबी जो रिटेल स्टोर होगा वो आपको मैप शो करा देगा वहाँ पे, ठीक है। हर कीवर्ड के ऊपर एक ही तरह का रिजल्ट नहीं आता, हर जगह चेंज होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अब आप जब इस तरीके से सारे के सारे अपने टाइप्स निकाल लेंगे, एक और टाइप्स हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके अंदर और चले जाते हैं, 5 पॉपुलर हैमस्टर ब्रीड्स, सीरियन हैमस्टर, चाइनीज हैमस्टर, कैम्पेल रशियन, आई थिंक ये हमने यूज़ किया, पता नहीं किया, ट्रवाल्व कैम्पेल ट्रवाल्व ये यूज़ नहीं किया, ये भी रख लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने ये 5 निकाल लिए, अब आप क्या करेंगे, आप इनके सपोज जिस तरह मैंने बताया ये आपके कोर टॉपिक्स हैं। अब कोर टॉपिक्स के अंदर पहला आप इसको उठाएंगे सीरियन हैमस्टर को, सीरियन हैमस्टर इसके अंदर जो इस टॉपिक के अंदर जो आप अब टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं इसको काम करता हूँ ऐसे, इसके आगे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी। अब ये आपका एक पहला पेज ये था आपका, ठीक है। इस पेज से आप इंटरलिंक करेंगे इस पेज को, बल्कि मैं इनको थोड़ा सा और भी आगे लिख लेता हूँ। आप इस पेज से इस पेज को इंटरलिंक करेंगे, पेज से इस पेज को इंटरलिंक करेंगे, इसी पेज से इस पेज को इंटरलिंक करेंगे, इसी पेज से इस पेज को इंटर करेंगे, और
ओ ये तो सारा सही नहीं आ रहा है। अरे बहरहाल कॉन्सेप्ट की बात है, मुझे लगता थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ से खत्म करेंगे। अच्छा ये आपका मेन टॉपिक हो गया, इसके बाद आपने इन सारे चीज़ों को यानी टॉप 5 जो आपका यहाँ पे इंटेंट बन रहा है, अगर यहाँ पे यूज़र सर्च करना शुरू करता है तो आप ये सारे को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके बाद इस पेज से आप इनसे इनको लिंक करना शुरू कर देंगे यहाँ से, उसके बाद आप इनको एक्सपेंड करेंगे आपके जो कोर टॉपिक्स हैं। अब सीरियस हैमस्टर, हैमस्टर के बारे में लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, दोबारा आप गूगल पे चले जाएंगे हेल्प लेने, और गूगल के ऊपर जैसे हमें शो हुआ था कि हैमस्टर हैमस्टर केज, ये एक आपका टॉपिक होगा, ठीक है ये आप नोट कर लेंगे, हैमस्टर केज, हैमस्टर लाइफ स्पैन, और यहाँ पे आपका हैमस्टर ब्रीड एक होगा, यहाँ से जस्ट आपने आइडिया लेने से। हैमस्टर केज तो यहाँ पे अगर सीरियल हैमस्टर है तो इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, सीरियल हैमस्टर कैजिस, उसके बाद सीरियल हैमस्टर डाइट के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीरियल हैमस्टर, सीरियल हैमस्टर कैच, सीरियल डाइट, अभी मैं सारी चीज़ें कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं यहाँ गूगल सर्च का सहारा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल हैमस्टर। अब यहाँ पे एक लाइफ स्पैन आ रहा है, इसकी डाइट आ रही है, इसका साइज आ रहा है, इसकी केयर आ रही है, इसकी हैबिट्स आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने टॉपिक के अंदर डालना शुरू करेंगे यहाँ पे, हैमस्टर डाइट केयर। कैच, साइज, हैबिट, दो मिनट जरा सर मुझे दीजिएगा। ठीक है यहाँ से कलर्स और साइज हमने नहीं लिखा, ठीक है ये क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपके टॉपिक के, ये आपकी एंटिटी थी, ये आपकी एंटिटी थी, और ये आपके उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपने सारे निकाल लेने, जितने जो जो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बाद आपने इसको ये करना है कि आपने गूगल के ऊपर ये टाइप करना है कीवर्ड, जैसे यहाँ पे ये आप टाइप करें, और यहाँ पे फिर सीरियल हैमस्टर के बाद आने के बाद यहाँ पे आप इंटरनेट देखना शुरू कर दें कि एक टॉपिक ये हो सकता है हाउ टू केयर फॉर अ पेट, ठीक है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टैटिक डालें आपको ये नज़र आएंगे टॉपिक्स, हाउ लॉन्ग डोज अ लीव, अब ये लीव लीव यहाँ पे इसी टॉपिक को रिलेट कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट थी जो हमसे मिस हुआ, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये वाला टॉपिक हम डाल देंगे यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डज अ सीरियन हैमस्टर। है, और कैच से रिलेटेड हमारा यहाँ पे दोबारा जाके जब हम सर्च करेंगे कैच साइजेस, चूजिंग द बेस्ट कैच फॉर योर सीरियल हैमस्टर, ठीक है ये एक टॉपिक हमारा हो जाएगा कैच के ऊपर।
आप इसके ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं एक एक निकाल रहा हूँ, ये हमारे सारे सपोर्टिंग कंटेंट होगा जो हमारे इससे इंटरलिंक होगा, ठीक है, इससे ये इंटरलिंक होगा इस पेज से, इसी पेज के अंदर इसी टाइप के जो है हम क्वेरीज को आंसर करेंगे शॉर्ट शॉर्ट में, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में ले जाएंगे यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए, और इसके बाद अगर हमें फर्दर कोई टॉपिक मिलता है तो हम उसको इसके आगे लिस्ट करते जाएंगे। मैक्सिमम हमने क्रॉल डेप्थ तक जाना होता है, इसको कहते हैं क्रॉल डेप्थ, ये आपका पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, कोशिश करने के चौथे क्रॉल डेप्थ पे आप इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद अगर कोई आपका इसके इंटरनल टॉपिक आ भी रहा है तो आप उसको किसी और टॉपिक के साथ एडजस्ट करने शुरू करें या इस तरीके से करें, तो 4 के बाद। और इसकी जो क्वालिटी जो होती है आपकी, यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है गूगल का, जब भी क्रॉलर आएगा तो वो पहले टॉपिक से आपको क्रॉल करना शुरू करेगा और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाएगा, लेकिन दूसरे टॉपिक पे वो तभी जाएगा जब आपका पहला जो यहाँ पे क्वालिटी इसकी इस आर्टिकल की जो क्वालिटी होगी वो दमदार होगी। अगर ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आया या उसकी उससे उसके पास इससे अच्छे ऑप्शंस हुए इसको रैंक कराने से अच्छे, तो फिर वो इसकी तरफ नहीं आएगा, फिर वो आपको इस पे भी रैंक नहीं करेगा। इस आर्टिकल को आपने सबसे बेहतरीन बनाना है, सबसे जो आपके होम पेज के करीब होता है। यहाँ पे आपका सपोज करें ये आपका होम पेज है, ठीक है, होम पेज के बाद जो आपका पहला आर्टिकल बनेगा टॉप इसके ऊपर। अब यहाँ पे आप इस हैमस्टर के ऊपर और भी चीज़ें हो सकती हैं, फिर उनको आप किस तरह कवर करेंगे, जब आप ये चीज़ें कवर कर लेंगे सारी एक पूरा, फिर आप उसके बाद नीचे अपना सेकंड टॉपिक सेपिंग आपकी इससे रिलेटेड यानी हैमस्टर से रिलेटेड और क्या हो सकता है हमारे पास, हम गूगल पर जाकर चेक कर लेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं खाली हैमस्टर के ऊपर। ये मेरी लोकेशन, इसको चेंज करनी पड़ेगी, US के हिसाब से करनी पड़ेगी, अच्छे रिजल्ट शो नहीं करा रहा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैमस्टर, हाउ बिग टू हैमस्टर गेट और इट हैमस्टर बिकम पेट्स। यदि आप अपने इस आर्टिकल के अंदर कवर कर सकते हैं जो कि आपका हैमस्टर के ऊपर बन जाएगा जनरली, लेकिन वो चीज़ वही डिपेंड करती है कि अभी आपका सोर्स कॉन्टेक्स्ट था बेचने का, तो आपका सबसे पहला जो क्लोजली रिलेवेंट जो टॉपिक बनता था वो ये बनता था सबसे पहले कवर करना। इसको कवर करने के बाद फिर आपका यूज़र के हिसाब से सोचना ना, आपने जब आपने सारी चीज़ें बता दी, सीरियन हैमस्टर के नाम बता दिए, तो उसके बाद आपको उन सीरियन हैमस्टर को एक्सप्लेन करना भी जरूरी है सारी चीज़ों को, सीरियन हैमस्टर की उनकी डाइट क्या थी। अगर ये एक एक नाम है हैमस्टर का तो इसके अंदर लोग सर्च भी करते होंगे इनकी डाइट क्या है, कि केयर कैसे की जाती है, इनकी हैबिटेट्स क्या होती हैं, इनके साइजेस कितने होते हैं, और इस तरीके मजीद क्वेश्चन आपको इसी तरीके से गूगल से निकालने हैं। अब ये तो था मैनुअल मेथड, इसी का एक मैंने आपको ये वाला मेथड बताया जो सर ने भी बताया, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको सेम यही चीजें मिल रही थी कि आपको वो टॉपिक्स बता रहा था कि ये टॉपिक कवर करो, फिर उसके बाद इसके अंदर ये टॉपिक कवर करो, इसे ये इसी तरीके से आपने अपनी एक ही टॉपिक के ऊपर सपोर्टिंग कॉन्टेंट बना के कंप्लीट करना होता है उस टॉपिक को, कि आपका जो आपकी जो सोर्स कॉन्टेक्स्ट उस टॉपिक के साथ जो कनेक्ट हो रहा है उसके रिलेटेड कुछ भी आपसे छूट ना जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप कवर अप कर लेते हैं एक एक यूज़र एक सेंट्रल सर्च इंटेंट के ऊपर, एक एक ऑडियंस के लिए स्पेशली, तो वो फिर आपको गूगल उसी ऑडियंस के रेलिवेंट उसी की, क्योंकि हर एक ऑडियंस का वो आपको मैंने बताया, जैसे वो क्यूरीज को ट्रैक कर रहा होता है तो गूगल को पता होता है कोई किस बंदे की किस टाइप की हैबिट्स हैं, और वो अगर वो कोई चीज़ सर्च करने लगा है तो उसके पीछे वो किस टॉपिक से रिलेटेड उसको सर्च करने लगा है, तो वो जब सर्च करता है तो गूगल उसी से रेलिवेंट उसको शो कराता है रिजल्ट। तो यहीं पे ये होता है कि आप जब वो बंदा जब जाके इस स्पेसिफिक टाइप की क्यूरी सर्च करेगा तो बेशक उधर बड़ी बड़ी साइट्स भी हों, आपकी साइट उस पर पहले आ जाएगी, क्योंकि गूगल ये समझता है कि आपकी साइट उस इंटेंट के साथ मैच कर रही है, उस ऑडियंस के साथ मैच कर रही है। तो उस ऑडियंस का बंदा जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पर जाके उस टॉपिक से रेलिवेंट, तो आपकी साइट सबसे पहले नंबर पे आएगी और वो बड़ी बड़ी साइट्स को बीट कर जाएगी, ठीक है। ये मकसद होता है टॉपिकल अथॉरिटी बनाने का। जनरल पे शायद वो बड़ी साइट रैंक कर भी रही हो, लेकिन आप जब अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर रैंक कर जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको कन्वर्जन भी मिलती है, वहाँ से आपको सारा कुछ मिलता है, आपके CTR भी अच्छा मिलता है, फिर वो ऑडियंस आपको जानने भी लग जाती है, उससे फिर आपका CTR बढ़ता रहता है। जब भी उसके सामने आपकी वेबसाइट आएगी तो वो बड़ी वेबसाइट
छोड़ के आपको क्लिक करेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करने लग जाता है, क्योंकि आपके आर्टिकल्स, आपने खुद भी कभी किसी वेबसाइट को अगर पढ़ते हो शौक से, तो आप भी जब कोई चीज़ सर्च करेंगे और वही वेबसाइट आपके सामने आएगी, तो आप बड़े बड़े नामों को भी छोड़ के उसके ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे उसका एक ब्रांड पोजिशनिंग हो जाती है, फिर कोई भी वो बंदा कभी भी कोई बात करेगा आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये आप भी करते हैं और मैं भी करता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट, जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, एक बड़ी फेमस वेबसाइट है ड्रू ड्रॉप शिपिंग के नाम से, तो अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, बजाय कि मैं कोई, बाज़ औक़ात मैं गूगल पे सर्च भी नहीं करता, मैं वहीं जाके सर्च कर लेता हूँ वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मुझे मेरे टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। इसी वजह से वो वेबसाइट रैंक भी हुई है और उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक भी है, और अगर आप उस वेबसाइट पर जाकर विजिट करें तो उन्होंने भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है कि एक टॉपिक को उठाया, उसके ऊपर एक ऑडियंस को पकड़ा, एक ऑडियंस के साथ उस टॉपिक को मिला के पूरा उस ऑडियंस के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन थे वो सारे उन्होंने आंसर कर दिया। ठीक हो गया। अब ये चीज़ भी मतलब मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आपने जब इतना वर्क कर लिया, आपको पता लग गया ये हैमस्टर के टाइप्स हैं, ये हैमस्टर की चीज़ें, अब डाइट के बारे में फिर यही चीज़ें आप इसी के अंदर भी कॉपी कर लें। ठीक है, एक बार आपने सारी चीज़ें निकाल ली तो आप ये करें कि यहाँ पे आने के बाद इन्हीं सबको यहाँ कॉपी करके और इधर बस इस हैमस्टर का नाम चेंज करके इनको कवर अप करना शुरू कर दें। स्क्रीन शेयर कर अब दीजिए और अरे मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे इस आ, आ, ये हैमस्टर की हमने जब टॉपिक्स निकाल लिए तो इस हैमस्टर के भी इसी तरह के टॉपिक्स हमने कवर करने होंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके सारा और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और जस्ट हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करके, नाम चेंज करने के बाद, इन सब के नाम चेंज करके ये हमारा बेसिक सा टॉपिकल मैप इसके लिए भी बन जाएगा। यही काम आप इस सबके लिए करते आएंगे, और इस तरीके से अब इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करने, कॉम्पिटिटर से अच्छा करने के लिए आप इसको, इस टॉपिक को जाके गूगल पर सर्च कर लें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आर्टिकल जैसे अगर यहाँ पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है, चूजिंग द बेस्ट कैच फॉर योर हैमस्टर, सीरियल हैमस्टर, ठीक है। अब यहाँ से आपको टॉपिक्स मिलना शुरू कर रहे हैं कि आपने जैसे एक ये वेबसाइट मैंने खोली है, चूजिंग द बेस्ट कैच फॉर योर सीरियल हैमस्टर, तो इनके अंदर आपको अब इस टाइप के टॉपिक्स मिल रहे हैं, स्टाइल योर केज। इसको इसको स्क्रैप करने का आसान तरीका ये होता है कि आप एक एक्सटेंशन होती है, वो सर ने भी आपको बताई थी, और ये एचरफ की एक एक्सटेंशन है, इसके अंदर एक्सटेंशन शो हो रही है, एक्सटेंशन शो हो रही है, कुछ नहीं नहीं हो रही, लेकिन आप छोड़ दें, वो इनको पता है ऑलमोस्ट। हाँ, वो आपने सिर्फ हेडिंग्स को स्क्रैप कर लेना यहाँ से, जैसे स्टाइल ऑफ कैज इसके बारे में आप बात करेंगे, ईज ऑफ क्लीनिंग इसके बारे में आप बात करेंगे, वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, केज की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, और ये चीज़ें बात, व्हील्स, बेडिंग डेप्थ। अब आपने ये करना है कि इससे आपने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तो इम्प्रूव करने का तरीका क्या होगा कि आप चार पांच जो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं उन ये हेडिंग्स देख लें, उन सारों को मिला लें, या आप इनके अंदर ये जो इमेजेस हैं ये यूनिक बनाएं थोड़ी सी, इनको अपनी इमेजेस कैनवा में डिजाइन करके बना लें, और इसके अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये इस तरह की इमेजेस लेने का बेस्ट तरीका होता है कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे जाके कोई भी एक वीडियो चल रही हो हैमस्टर के अंदर, जिसके अंदर कोई रिव्यू कर रहे हो, वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दें, वो एक यूनिक इमेज हो जाती है आपकी अपनी। ठीक है, इस तरह की इमेजेस लगाएं और टेबल्स बनाएं, और वही जो हमारा जो काम होता है एज ए एसईओ के, आपने बेटर तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, टॉपिक्स आपको पता लगे कि किस तरीके से कवर करनी है और टॉपिक्स ढूंढने कैसे हैं वो आपको पता लग गई। सेकंड प्रॉम्प्ट आपके सामने एक और मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आपको वहाँ से, जैसे अब हमने गूगल से मैनुअली की है, ये वाला मेथड पे दोबारा आ जाते हैं, वो थी हमने एक यहाँ से एंटिटीज निकालने के बाद थोड़ा उसमें ह्यूमन टच दिया, और फिर वो हमारे पास टॉपिक्स हमारे निकलना शुरू हो गए और हम उसको फर्दर एक्सपेंड करते गए। अब इसी को अगर आपने चैट जीपीटी से एक्सपेंड करना है तो आप यहाँ पे चले जाएं और उसको कहें कि जी गिव मी 10 डिफरेंट कीवर्ड वेरिएशन, और यहाँ से कोई भी एक टॉपिक उठा लें, जैसे ये केयर के ऊपर उठा लेते हैं, दैट एड्रेस डिफरेंट सर्च इंटेंट। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको मिलेगा
ये 30 आपने मांगी, ये 30 आपने दे दी, उसने दे दी, आपने ये 30 इसकी इसके अंदर उठा के डालनी है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर, और नेक्स्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे भी देखें वही कर रहा है, वो ग्रूमिंग के बारे में सर्च किया उसने। ठीक है, ये देखें अब ये भी वही कर रहा है कि डाइट गाइड के बारे में बताएं, हेमस्टर की हैबिटेट के बारे में बताएं, हेल्थ इश्यूज के बारे में, जो चीज़ें हमने वहाँ मैनुअल निकाली यहाँ पे भी वही चीज़ें निकाल रहा है वो। ग्रूमिंग टिक्स के बारे में बताएं, एक्सरसाइज के बारे में बताएं, और ब्रीडिंग इंफॉर्मेशन, बाकी ये टॉयज एंड इन्वेंटमेंट, ये देखें ये हमने नहीं मैनुअल तरीके से हमें मिला तो यहाँ से हमें मिल गया। केज क्लीनिंग के बारे में बताएं, सोशल बिहेवियर के बारे में बताएं, इन सारे टॉपिक्स को उठा के अब कवर करना शुरू कर दें आप, उनको इंटरलिंक करें आपस में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पहला टॉपिक इसके, ये जो आपका होम पेज, ये आपका पहला टॉपिक हुआ, इसके अंदर हमने हैमस्टर्स के नाम बताया, फिर हमने उन हैमस्टर की एक्सपेंड किया, उनके केजेस के बारे में, डाइट के बारे में, केयर के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में बताया, और केजेस अगर फिर यहाँ पे अब हम इनको फर्दर एक्सपेंड करना चाहें केजेस को, तो अब वो यहाँ पे जो वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जी आउटर हमारा जो इनर सेक्शन होता है और जो हमारा आउटर सेक्शन होता है। अब इनर सेक्शन हमारा क्या है, इनर सेक्शन हमारा ये है और ये है, क्योंकि ये हमारे वो क्लोजली रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सेल ला के देंगे। ठीक है, अब इनको रैंक कराने के लिए हम ये आउटर सेक्शन में एक्सपेंड कर रहे हैं उनको चीज़ें। ठीक है, उनकी हम सीरियन हेमस्टर के ऊपर हम रैंक करने के लिए, उस सीरियन हेमस्टर के सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डिवेलपरेशन के अंदर ऊपर हम रैंक करने के लिए उसकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब इसके अगर हम सपोर्टिंग कंटेंट और बना लेंगे, वो हमारा आउटर सेक्शन होगा सारा, तो यहाँ से ही हमारा आउटर सेक्शन इनर सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, हमारी रेलिवेंट अथॉरिटी बनाने के लिए इन टॉपिक्स के ऊपर हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। जनरली पहले ओल्ड डेसी में क्या होता था, हम ये टॉपिक लिख दिया, ये टॉपिक लिख दिया, ये टॉपिक लिख दिया, ये टॉपिक लिख दिया, और फिर बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया, और बैकलिंक की बेस पे ऊपर हम रैंक कर देंगे, वो था ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम बैकलिंक की बेस पे रैंक नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं हमारी टॉपिक की बेस पे, कि अगर हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं और इसी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा इस टॉपिक से रेलिवेंट अथॉरिटी बन रही है। इस गूगल जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई डू ड्रॉप शिपिंग वाली, कि मैं उस पर क्यों ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये सारे टॉपिक्स मेरे जहन में जो आ रहे हैं उन्होंने वो सोच रखे होते हैं, और वो सोच कैसे रिसर्च की बेस पे सोच रखे होते हैं। कीवर्ड एवरी टूल्स यूज कर लेते हैं, जैसे पीपल आल्सो आस्क है, गूगल का भी ए है, वहाँ से क्वेश्चंस निकाली है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने एक मेथड बताया था जिसके अंदर आप कोई भी टॉपिक जाके सर्च करते हैं, सर्च सजेशन को कॉपी करें और पीपल आल्सो आस्क को कॉपी करें, और उसके बाद उसको सारों को कॉपी करके एक शीट बनाए, उनको क्लस्टर करें, क्लस्टरिंग में आपके जो डुप्लीकेट कीवर्ड्स होंगे वो निकल जाएंगे, यूनिक कीवर्ड आपके ऊपर रह जाएंगे, उनको सॉर्टिंग करें इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सॉर्टिंग खुद कर लें, या वो सारे कीवर्ड उठा के चैट जीपीटी को दे दें, उसे कहें ये सॉर्ट आउट कर दो मुझे, वो आपको सॉर्ट आउट कर देगा उन सारे सॉर्ट आउट को, कीवर्ड्स को उठा के एक एक को। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि ये नहीं करना कि इसके पहले जैसे आपने ये आर्टिकल लिख लिया, और इस आर्टिकल लिखने के बाद आपने फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, इस तरह नहीं, ये लिखा है तो इसको करें, इसको लिखने के बाद इसके सारे कवर अप करें, यानी एक को मुकम्मल करें, पूरा सर्कल एक को मुकम्मल करने के बाद उनको आपस में इंटरलिंकिंग करने के बाद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आए, फिर उसको मुकम्मल करें, फिर नेक्स्ट की तरफ आए, फिर उसको मुकम्मल करें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर गूगल कन्फ्यूज हो जाएगा, आपको आर्टिकल लिखने में टाइम लगता होगा, या फिर आप ये करें कि वो जो मैंने लास्ट पब्लिश फ्रिक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे पब्लिकेशन डेट का, आप पहले सारे लिख के रख लें अपने, फिर एक साथ 10-15 आर्टिकल पब्लिश कर दें, इसको मुकम्मल कर दें, फिर सारे ये लिख के लिख लें, फिर इस सारे को इकट्ठा पब्लिश कर दें, इंटरलिंकिंग आपकी हुई पड़ी होगी, और इस तरीके से आपने यहाँ पे यूआरएल भी सेट करते जाना है, जैसे आपने ये आर्टिकल लिखा तो इसका यूआरएल यहाँ डिफाइन करते हैं, ताकि आप ये जब आपको ये आर्टिकल लिख लो तो आपको पता हो ये यूआरएल मैंने सेट करना है अपनी वेबसाइट पे, इसको पब्लिश करने के बाद यहाँ से यूआरएल उठाया और उसको अपनी इस आर्टिकल के अंदर इंगेज कर दिया, उससे ये होगा कि आपको दोबारा वो बार बार बैक आके यूआरएल दोबारा दोबारा से चेंज करने नहीं पड़ेंगे, आपकी इंटरलिंकिंग साथ साथ होती जाओगी, जैसे आप पब्लिश करेंगे उस टाइम इंटरलिंकिंग हुई भी होगी, तो उससे भी गूगल के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बंदा पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है और इसको पता है कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं, और वैसे भी वो जब पहली बार ही आता है तो उसको फुली एक ऑप्टिमाइज आर्टिकल मिल जाता है जिससे वो जल्दी रैंक करा देता है, बनिस्बत कि आप पहले उसको इंडेक्स करवा लें, फिर दूसरी इंडेक्सिंग का वेट करें और पता लगे दूसरी इंडेक्सिंग के काबिल ही ना समझे आपको सर्च कलर, तो वो बाजू का वो टाइम भी लगा देता, आता ही नहीं है इंडेक्स करने दोबारा। इन चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पे सारा पहले से प्लान करके चलें हर एक यूआरएल को।
ओके, तो ये वाला जो चैट जीपीटी मेथड मैं आपको बता रहा था, ये भी सेम वही कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें और आपको इम्प्रूव मिल रही हैं। आप इससे भी हेल्प लें, आप गूगल से भी हेल्प लें, और आप इसकी तरह की एक शीट बनाते जाएं पूरी, और देन आप ये दोनों प्रॉम्प्ट जो हैं ये मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने शीट बनानी है, ये शीट बनानी है। आर्टिकल लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने गूगल पर जाना है, उधर से कंपटीटर से आइडिया ले लेना है, कॉपी नहीं करना, उनकी हेडिंग्स को भी आपने चेंज करना है, वरना बाद अवकात हेडिंग्स कॉपी करने पे भी आपको पेनालाइज कर देता है गूगल। हेडिंग्स को चेंज करें अपनी, सिर्फ जस्ट एक कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मुझे किस टाइप के टॉपिक्स कवर करने हैं, और एक चीज़ के ऊपर, यानी कि वो कंप्लीट उसको करने के लिए, अगर आप हैमस्टर नहीं पाला आपने कभी, तो आपको शायद आइडिया ना होता रिसर्च करने से पहले कि जी उसकी डाइट के बारे में भी लिखा जाता है, उसके केयर के बारे में भी लिखा जाता है, या लोग उसकी हैबिट्स के बारे में भी सर्च करते हैं, केज साइजेस के बारे में भी सर्च करते हैं, अच्छा उसके केज भी होते हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता थी। आप जब रिसर्च कर लेते हैं तो यही फायदा होता है, इस रिसर्च की बेस पे आप ये सारे टॉपिक्स कवर करना शुरू करते हैं, और गूगल की नज़र में आप उस बंदे के लेवल के मुताबिक आ जाते हैं जिसने कभी सीरियन हैमस्टर पाला होता है, तो आप सारे टॉपिक्स कवर करना शुरू कर देते हैं। इंटरलिंकिंग इसी तरीके से करनी है, और बाकी अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है। अगर आप इसके के एंटिटीज और एट्रीब्यूट के डिफरेंस बता दें। हाँ, एंटिटी और एट्रीब्यूट में एक एंटिटी है, सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताई कि हैमस्टर एक एंटिटी है, ये एक ब्रॉड आपका एक टॉपिक समझ लें आप। अब हैमस्टर के आगे जो हैमस्टर की डाइट, ठीक है, हैमस्टर की जो डाइट आ रही है, डाइट का जो वर्ड आ रहा है ये आपके एट्रीब्यूट में शामिल हो रहा है। बेसिकली वही है कि वो कोरे इसको एट्रीब्यूट कहता है, और हम लोग इसको कीवर्ड के वेरिएशंस के नाम से जानते थे पहले। तो ये इन्हीं की बेस पे मैंने अभी बताया कि आप जो जो सॉर्टिंग करते हैं वो इनकी पॉपुलैरिटी की बेस पे करते हैं, जो सबसे पॉपुलर एट्रीब्यूट होगा आप उसको सबसे पहले कवर करने की कोशिश करें अपने आर्टिकल के अंदर, देन फिर उसके नीचे जो पॉपुलर है उसको कवर करें, फिर उसके नीचे जो पॉपुलर है उसको कवर करें। कुछ जी, सर एक जहन बात मुझे आपको क्वेश्चन पूछना करना। थी। जी 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 सर, पूछे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर मुझे एक चीज साहब। पूछनी थी। यहाँ पे जो हम एंटिटी की बात करें, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल वर्ड्स में हम उसे एज अ कीवर्ड बोलेंगे। जी, आप उसको कीवर्ड कह लें या एंटिटी कह लें, एक ही बात है, मीन्स लेकिन वो हमारा एक मेन टॉपिक है जिसके ऊपर फर्दर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जी एक और टॉपिक उसको है हम उसके आपका सर्च वॉल्यूम की बेस के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम और आपका सोर्स कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपने बात की कि पहले जो हमारी एसईओ होती थी टिपिकल, उसमें बैक लिंकिंग ज्यादा मैटर करती थी और अब मैटर नहीं करती। ये थोड़ा जरा पॉइंट क्लियर करते हैं, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। आप पूछ लें, मैं फिर दोनों क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आपने मेन टॉपिक जिस तरह निकाला, ये भी जरा दोबारा बता दें कि मेन टॉपिक फिर आपने कैसे निकाला, क्योंकि उसके बाद आपने उसकी सब हेडिंग्स निकाली। तो मेन टॉपिक ही अगर फर्स्ट अच्छा निकलेगा तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें सही चलेंगी। जरा ये मेन टॉपिक का दोबारा बता दें कि हम इसको कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं अपनी किसी भी निश में। ठीक हो गया। पहले पहले मैं आपका पहला सवाल थोड़ी सी मुझे रिपीट करा दें, मुझे जहन से निकल गया। पहला सवाल क्या मैंने था? बैक लिंकिंग का हाँ, पूछा था बैक आपसे। लिंक। बैक लिंकिंग में अभी भी जो रिसर्च आती है एसईओ की, उसमें बैक लिंकिंग अभी भी पेज रैंक का हिस्सा है। पेज रैंक इनका गूगल का एक एल्गोरिदम था, उसके अंदर अभी भी जो है वो मैटर करता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मैटर करता, लेकिन बैक लिंक से ज़्यादा जो है वो नॉलेज ग्राफ मैटर करने लगे हैं। आप नॉलेज ग्राफ बेसिकली यही चीज़ होती है कि आप एक पूरा का पूरा एक डाटाबेस बना देते हैं एक टॉपिक के ऊपर, और उसको आपने एक अच्छे तरीके से इंटरलिंक किया होता है, जिसकी बेस पे गूगल आपको एज एन अथॉरिटी समझने लग काउंट करने लग जाता है, तो वो बैकलिंक वाली वेबसाइट्स को आप बीट कर जाते हैं। यानी बैकलिंक को वैल्यू गूगल ने डाउन कर दी है, अगर उसके पास कोई नॉलेज ग्राफ या नॉलेज
सोर्स नहीं है अच्छा गूगल के पास, तब फिर वो बैकलिंक को पता है। अगर आप अच्छा एक नॉर्डी सोर्स बना के अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं गूगल के आगे, तो फिर वो बैकलिंक को प्रायोरिटी काम देता है नॉलेज ग्राफ को ज्यादा, क्योंकि बेसिकली गूगल का जो मकसद है वो अपने यूजर को एक्यूरेट और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। बैकलिंक लोग मैनिपुलेशन कर देते थे उसमें, अब बस किसी ने भी कोई इस तरह का आर्टिकल लिख लिया और उसके पास पैसे ज्यादा थे तो उसने अच्छे अच्छे बैकलिंक बना लिए दूसरी दूसरी वेबसाइट्स को पे करके, और फिर वो सर्प जो था ना वो थोड़ा सा गूगल के मुताबिक नहीं होता था। गूगल को ये नहीं पता होता कि अंदर कॉन्टेंट जो है उसके अंदर क्वालिटी भी है कि नहीं है, तो गूगल इसी चीज के ऊपर एनएलपी भी ले आया। अब गूगल जो है वो एनएलपी के थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए, जिससे अब उसका जो आर्टिकल होता है वो उसको रीड करके समझ जाता है कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, और समझता किस तरीके से है वो एंटिटीज की बेस पे ही समझ जाता है कि अगर डाइट की एंटिटी उसके उसके पता है कि लोग एक टॉपिक के अंदर डाइट भी चूज कर सर्च करते हैं केयर भी, तो अगर आपके आर्टिकल के अंदर ये वर्ड्स मौजूद हैं तो इसकी बेसिस पे उसको पता लग जाता है कि जी आपका आर्टिकल कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी चीज जो ठीक आपने टॉपिक वाली बात की, टॉपिक्स आप अपने सोर्स कॉन्टेक्ट के ऊपर डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सारे टॉपिक्स निकाल लें, जैसे हैमस्टर के ऊपर है तो हैमस्टर के जब आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे होंगे। आपने अब ये देखना कि मेरी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हमारी वेबसाइट रिलेटेड थी सेरियन हैमस्टर सेल करने के ऊपर, तो सेल्स का जो जो कह लें मुतवाजन बनता है जो बाय करने वाला, तो वो बाय का वर्ड बनता है, तो हम अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसको जो भी यूजर सर्च करेगा वो बाय के वर्ड से सर्च करेगा। तो हमने यहाँ पे टॉपिक क्रिएट किया टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 13 हैमस्टर टू बाय। ठीक है, ये हमारा हमारा जो हमारा सोर्स कॉन्टेक्स्ट और जो हमारा सेंट्रल सर्च इंटरनल यूजर का, उन दोनों को नजर में रखते हुए हमने इस टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया। ये टॉपिक सबसे पहले हम कवर करेंगे, फिर इसके अंदर डीप में जाएंगे, फिर हम उन टॉपिक्स को सीरियन हमस्टर को क्रिएट करेंगे। सीरियन हमस्टर को क्यों क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा जो अगर कोई बंदा गूगल पर जाके सीरियन हमस्टर बाय करने के लिए लिखता है या बाय टू बाय सीरियन हमस्टर या इस तरह की जो जो हमारी पहले इन्वेस्टिगेशन जो कीवर्ड्स होती हैं उनके ऊपर भी हमने रैंक करना है। उधर रैंक करने के लिए हम इसके ऊपर अपनी अथॉरिटी बनाएंगे सीरियन हैमस्टर के ऊपर, और इससे रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने कवर करेंगे और इन सबको आपस में इंटरलिंक करके, यानी ये जो हमारा यही वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम इसके साथ इंटरलिंक करेंगे और इस सीरियन हैमस्टर को भी वापस हम इसके साथ लिंक करेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके साथ और फिर इसी को दोबारा इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी हम एक पूरा जाल बनाएंगे जिसको हम क्या मतलब कहते। इंटरलिंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ना, वो तो जी कंसिडर होती है। जी जी इंटरलिंकिंग के बगैर तो आप टॉपिक की अथॉरिटी नहीं बना सकते ना, वो तो फिर वही कहानी आ जाएगी कि आपने एक अलोन पेज लिख दिया सीरियन हैमस्टर के ऊपर, उसका सपोर्टिंग कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है फिर आपको, वही फिर वो पुरानी कहानी हो जाएगी। आप उस टॉपिक को शो कैसे कराएंगे गूगल को, जी मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया है, वो इंटरलिंकिंग की बेस पर ही आप शो कराते हैं। तुम एक और मेरा क्वेश्चन था, हम अपनी वेबसाइट को कब इंडेक्सिंग करवाना शुरू कर सकते हैं? मतलब गूगल खुद ही इंडेक्स कर लेगा या हम उसको, मतलब वो करते हैं कि जी ये मोनेटाइजेशन इसकी स्टार्ट हो जैसे एडसेंस में? बेहतर बेहतर तरीका यही होता है कि आप जब वेबसाइट का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब आप उसको पब्लिश करें सारे टॉपिक्स, और फिर थोड़ा सा गैप देखें जो पब्लिक, फॉर इंस्टेंस आप लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि किस रेट किस रेट से आपने पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी बनानी होती है, थोड़ा सा यानी आपने उसको रैंडम करना होता है, ये ना हो कि बस आप डेली के 2 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, डेली के 2 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो गूगल फिर वो समझ जाता है कि जी या हफ्ते में 2 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो फिर वो हफ्ते में उसका क्रॉलर जो है ना वो 2 बार ही आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो क्योंकि उसका एज ए गूगल को अपनी जो है वो कॉस्ट भी कम करनी होती है सर्च इंजन की, तो वो मैक्सिमम रिसोर्सेज को उसी वेबसाइट पे यूज करता है जहाँ पे उसको आइडिया होता है कि यहाँ पे नॉलेज अच्छी मिलेगी, या आप उसको इस तरीके से मिल लें कि वो ट्रेन हो जाता है कि जी दो अगर ये बंदा 2 हफ्ते में 2 आर्टिकल पब्लिश करता है और इस डेट को पब्लिश करता है तो मैं इसी डेट को जाऊँगा इंडेक्सिंग करने, वो बार बार आके, क्योंकि आने में उसको समझ लें कि आप पैसे लग रहे होते हैं, उसका किराया लग रहा होता है आने में, वो अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है एज अ गूगल जो है ना, क्योंकि गूगल एक बिजनेस है और उसको अपनी कॉस्ट भी कम करनी है और उसको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, इसकी वजह से पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी जो है आप वो रैंडम बनाएं, कभी आप 1 आर्टिकल पब्लिश कर दें, कभी 10 कर दें, कभी फिर 2 दिन के गैप से कर दें, फिर कभी हफ्ते के गैप से कर दें, कभी फिर 2 हफ्ते के गैप से कर दें, फिर आप 15-20 आर्टिकल इकट्ठे पब्लिश कर दें, तो इस तरीके से करेंगे रैंडम, तो फिर वो बार बार चक्कर लगाता रहता है कि जी पता नहीं कौन सा आर्टिकल कब पब्लिश हो जाए।
और कोई क्वालिटी का आर्टिकल, लेकिन आपने क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। अगर आपका, मैंने आपको जैसे बताया कि ये पहला टॉपिक अगर क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा यहाँ के दोबारा, वो आपने आर्टिकल को अपने कॉम्पिटिटर या जो जो ऑलरेडी गूगल के पास डाटा है, जो रैंक करा रहा है वो, उनसे अच्छा बनाना है। वो अच्छा कैसे बनाएंगे, आप उसमें यूनिक इमेजेस डालें, टेबल्स बनाएं, ग्राफ बनाएं, या उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, या फिर आप जो है वो एक मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर आप एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसके स्टैट्स लाजमी अंदर मेंशन करें, यानी एक एक बारी की अंदर जब आप उस चीज को लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया गूगल एन भी आपके टॉपिक्स को समझ रहा है, रीड कर रहा है, तो जब वो रीड करेगा कि इसके अंदर स्टैट्स भी मेंशन है और वो एक्यूरेट भी है, तो फिर वो आपको आपका आर्टिकल को ज्यादा प्रायोरिटी देगा और वो क्वालिटी कंटेंट के लाएगा, आपकी वेबसाइट फिर उस जो ऑलरेडी रैंक कर रहा है उससे अच्छी, उससे अच्छा आपका कंटेंट होगा तो वो आप उसको बीट कर जाएंगे। एक आर्टिकल में कितने इमेजेस होने चाहिए? ये आपकी हेडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा भी ना लगाएं क्योंकि उसको आपका जो है वो लोडिंग टाइम कम हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो दो चार रखें बस, दो 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 चार बहुत है, दो तीन। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का? अगर हमारा 1000 वर्ड्स का हम एक ब्लॉग मतलब आर्टिकल लिखने हैं तो उसके ऊपर 5 to 6 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं ना? नहीं, वो ज़्यादा हो जाएंगी, 1000 वर्ड तो थोड़े से होते हैं, ज्यादा आप एक दो लगा लें, काफी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ठीक हो। और इम्पोर्टेंट पेपर सर लगा लें, इम्पोर्टेंट हेडिंग से ऊपर। ओके ठीक हो गया। और सर अगर एक आर्टिकल है उसके अंदर आप कितने इंटरनल लिंक्स ऐड कर सकते हैं या एक ही ऐड करना इंटरलिंक? चाहिए? नहीं, इंटरलिंक आप स्टार्ट में तो कोशिश करें कम से कम रखें, पहले आप जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में डिफाइन किया था कि जो आपका मैक्रो कॉन्टेक्स्ट और मिक्रो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, मिक्रो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप एंड में, इस मिक्रो कॉन्टेक्स्ट को हमेशा एंड में रखें और मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को पहले अपने, यानी कि आपका जो मेन जो आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे आपका टॉपिक चल रहा है चूजिंग द बेस्ट कैच फॉर सीरियल हंटर, तो आप पहले केजेस के बारे में बता लें, उसके बाद फिर उसको जाके डाइट के बारे में नीचे इंटरलिंक करा दें, या केयर के बारे में इंटरलिंक नीचे से करा दें या दरमियान से करा दें, और मैक्सिमम आप एक आर्टिकल के अंदर वक्फे से रखें, यानी एक पैराग्राफ के अंदर एक इंटरलिंक, या एक आप पूरी जो आपकी हेडिंग है ना उसके अंदर एक इंटरलिंक से ज़्यादा ना डालें, ठीक है? अगर आपकी जितनी हेडिंग्स हैं उस हिसाब से आप डाल लें इंटरलिंक अपनी अपने पेज के अंदर, इनको कम भी रखें और अपने टॉपिक से रेलिवेंट भी रखें जो आप वहाँ पे ऊपर बात कर रहे हैं। फिर मिक्रो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके आप मिक्रो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके आप दो तीन अपने डाल लें, सॉरी वो मैं दोबारा ठीक हो शेयर। गया, थैंक यू वेरी मच सर। एक आर्टिकल कितने वर्ड्स का नॉर्मली होना चाहिए? ये आप देखेंगे सर्व के अंदर जाके कि आपके जो कंपटीटर हैं टॉप 5, उन्होंने कितने वर्ड का लिखा हुआ है, वो आप लोगों को उससे देखना मोस्टली आता होगा, ज्यादा ही होना चाहिए। नहीं ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट उतना हो, और कंटेंट ज़्यादा ना करें, कंटेंट बेशक उतना रखें लेकिन क्वालिटी बनाए उसको, जैसे तरह मैंने बताया, अगर वो आपने क्वालिटी बना लिया तो आपके वर्ड्स कम भी हों तो वो रैंक कर जाएगा। इन्फॉर्मेशन पूरी आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, स्टैट्स मेंशन होने चाहिए, और यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, टेबल्स वगैरह अच्छे से प्रेजेंट किया, और डाटा जितना अच्छे से आप यूजर को सर्व करेंगे उतने ज़्यादा आपका गूगल रैंक करेगा। ओके आप